हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको सूट में बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जो गोटे वाली लेस से मैं इसे बनाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नेक बनाने के लिए मैं यहाँ बुकरम का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई यहाँ 2.5 इंच पे इस पर का निशान लगाऊंगी और नेक की लेंथ यहाँ पे मैं 7 इंच लूँगी। यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो 7.5 पे निशान लगा लेंगे और इसे हम सीधी कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। इस प्रकार राउंड शेप देते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ पे इस प्रकार निशान लगाएंगे और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे जी। इस प्रकार मिला लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अंदर वाली भाग को भी हम कट कर लेंगे। हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब इसे हम कपड़े में पेस्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़े में पेस्ट कर लिए हैं। अब इसे हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे, बराबर रखते हुए यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे और हम यहाँ पे डिज़ाइन के लिए यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ हम गोटे वाली लेस लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी दूरी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 1-1 इंच की दूरी पर इस प्रकार निशान लगा रही हूँ। आप 1.5-2 आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इस प्रकार देखिए, निशान लगा लेंगे पूरे ऊपर तरफ। अब दूसरी साइड निशान लगाने के लिए इसे हम इस प्रकार उल्टे साइड फोल्ड करेंगे। नेक को बराबर रखते हुए यहाँ पे टैप टैप कर देंगे, जिससे हमारी दूसरी तरफ निशान आ जाएगी। तो देखिए, हमारी निशान आ गई है। तो इसे हम निशान लगा के डार्क कर लेंगे। इस प्रकार देखिए, अब यहाँ पे हम गोटे वाली लेस अटैच करेंगे। तो ये हमारी गोटे वाली लेस है, इसे हम इस प्रकार इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार देखिए, 1-1 लाइन में हमें इस प्रकार गोटे वाली लेस अटैच करनी है। इस प्रकार हम सभी में लेस लगा कर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब इसे हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। नेक को सही से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे फिनिशिंग के साथ। इस प्रकार देखिए, हम सिलाई लगा लेंगे। कि हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे हम सेंटर में इस प्रकार फोल्ड करेंगे और बीच में एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ सेंटर में कट कर देंगे। अब चलिए हम सूट में अटैच करते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार हम इसे फोल्ड करेंगे और बीच में एक सेंटर में निशान लगा लेंगे और यहाँ एक हम कट लगा देंगे। देखिए, ये हमारे उल्टे वाली साइड में हमें नेक अटैच करनी है। तो इस प्रकार सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे और इसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस प्रकार बीच में से हम पहले सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार देखिए, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगानी है और यहाँ पे हमें नेक के किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। बुकरम में हमें सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा के इस नेक को अटैच कर देंगे।
इस तरफ भी हम इसी प्रकार सिलाई लगा लेंगे। बराबर बैठाते हुए हम नेक को सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी सिलाई हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे हम कट कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे कट करनी है। इस प्रकार देखिए हम इसे कट कर लेंगे और इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। हमारे कपड़े में ही कट्स लगनी चाहिए, हमारे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स हम इसमें कट लगा लेंगे और इसे इस तरफ बाहर की साइड हम उलट लेंगे। इस प्रकार देखिए नेक को हम सीधी साइड में उलट लेंगे, सही से बैठा लेंगे नेक को और इसके किनारे किनारे हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब इस गले के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। एक पाँव का मार्जिन देते हुए यहाँ पे फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। गले को सही से बैठाते हुए यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई हो गई है। अब इसके नीचे वाले साइड में हमें इस ट्रायंगल वाले लेस को अटैच करनी है। तो देखिए सिलाई लगाने से पहले इसके नीचे हम इस प्रकार लेस को बैठाएंगे और इसके किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए इस लेस को इसमें हम अटैच कर देंगे। अंदर से सही से बैठाते हुए फिनिशिंग के साथ इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है एक पाँव का मार्जिन देते हुए, जो हमारी सिलाई भी फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। इस प्रकार देखिए हल्के हाथों से घुमाते हुए लेस को और गले को सही से बैठाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी यह नेक बन के कम्प्लीट हो गई है और पीछे भी फिनिशिंग के साथ हमारी नेक अटैच हो गई है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।